नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप पहली बार आए हो तो वेलकम एंड डू सब्सक्राइब। दोस्तों, आज के ऑल्टर्ड स्टेट विद जेमी सीजन 2 के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं अभिलाष थपलियाल, जिन्हें आपने एसके सर के रूप में देखा होगा हिट TVF वेब सीरीज एस्पिरेंट्स में। उन्होंने इतनी खूबसूरती से वो किरदार निभाया है कि आपको उन्हें देख के लगता नहीं है कि ये उनका पहला मेजर रोल है। एक उभरते कलाकार के अलावा अभिलाष एक जाने माने रेडियो जॉकी RJ हैं। फीवर 104 FM और 93.5 FM जैसे पॉपुलर रेडियो स्टेशन पे, और साथ ही एक एंकर, एक इवेंट होस्ट। इनका यूट्यूब चैनल भी है जहां वो मिमिक्री करते हैं, खासकर मफलर मैन के किरदार के नाम से। इन शॉर्ट, ये टैलेंट के भंडार है। आइए बात करते हैं द मल्टी टैलेंटेड अभिलाष थपलियाल से। सर जी, कमाल है कि आपने वक्त निकाला हाल ही में। मतलब आपकी आवाज तो हमने सुनी है काफी टाइम से रेडियो पे, बट एस्पिरेंट्स फैंटास्टिक एंड आई एम श्योर यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव और फीडबैक, नॉट ओनली आपके किरदार के लिए बट ओवरऑल फॉर द शो। राइट भाई, मतलब कमाल ही हो गया है। और एसके को इतना प्यार मिल रहा है, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे अब सब लोग है ना, वो डिसाइफर करना शुरू कर देते ना किसी कैरेक्टर को, कि यू नो बिकॉज ऑफ दिस चीजें काम कर गई और ये जो था इसकी वजह से काम कर गई। बट आई थिंक वो पूरा शो, उसकी राइटिंग, जिस तरीके से वो कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है, जो वो दुनिया क्रिएट की गई है, वो जो रियल वर्ल्ड आ गया है भाई, उसकी वजह से सब कुछ काम कर गया और कैरेक्टर्स काम कर गए। आप सही बोल रहे हैं, अगर कहानी काम करती है तो फिर किरदार काम करते हैं। किरदार आइसोलेशन में कभी काम नहीं कर सकते। इट इज बिकॉज एस्पिरेंट्स हैज बीन लव्ड सो मच कि हर एक कैरेक्टर को फिर वो प्यार भी मिल रहा है। बिल्कुल, और ये नॉट जस्ट एस्पिरेंट्स, पर ये एक खासियत है TVF शोज के बारे में, हम आएंगे उस पे। पर आपका और मेरा थोड़ा सा एक कनेक्शन है, हालांकि हम कभी मिले नहीं है, हमारी पहली मुलाकात है। उत्तराखंड देवभूमि, आप भी पहाड़ी, हम भी, दिखता नहीं हो लेकिन मैं पहाड़ी हूँ। आप दिखते क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो पहाड़ी ऐसे दिखते वो है, वो है द नॉर्थ, द मोर नॉर्थ यू गो। तो सर, मेरा पहला सवाल ये शो पे कि आपका, ऑब्वियसली आप, यू वर नॉट बोर्न देयर, आपके जो फादर वो आर्मी में थे, आपने ट्रेवल बहुत किया, लेकिन आपकी सबसे पुरानी यादें जुड़ी क्या है उत्तराखंड से? भाई फर्स्ट ट्रिप मेरे ख्याल से वो हमेशा रहेगा उत्तराखंड में। ऐसा देहरादून में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मसूरी में रिलेटिव्स हैं, तो वो सब रिश्तेदार तो यहाँ वहाँ हैं, तो आना जाना तो होता रहता था। लेकिन पहला मेरे ख्याल से थर्ड स्टैंडर्ड में मैं था, और आपको पता होगा, आप तो खैर कल्चर को समझते हो, पूजा होती है हमारे यहाँ पर, जो पूजा में सब लोग मिलते हैं। तो जब पूजा हुई, कुल देवी की पूजा हो रही थी और उसमें सब लोग मिले थे, और जब मैंने उस घर को देखा, जो हमारा घर है वो कई 100 साल पुराना घर है वहाँ पर, और एक बहुत ही फेमस फिल्म थी पहाड़ों में घर जवें, वो पहली बड़ी फिल्म थी गढ़वाली फिल्म, तो उसकी शूट हमारे यहाँ पर हुई थी, क्योंकि गढ़वाल में, और हमारे लिए, हम पूरे थपलियालों के लिए ना बड़ा वैसे प्राइड वाली चीज है। इतना बड़ा घर कहीं मिला ही नहीं गढ़वाल में, तो हमें आग पे आके शूट करना पड़ा। बट उसके पीछे की कहानियां ना भाई इतनी इंटरेस्टिंग, जैसे अब हमारे घर बनते हैं वो सीमेंट और ईंटों से बन रहे होते हैं, उस टाइम पर सीमेंट नहीं हुआ करता था, तो दाल और लहसुन को पीस कर सीमेंट बनाया जाता था, और पत्थरों के बीच में वो चिपकाने के लिए यूज होता था। और आर्किटेक्चर के हिसाब से देखे तो इतनी परफेक्ट है, उसकी दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, जो उसके कोने हैं वो बिल्कुल यू नो पैने हैं, एक सुई तक का स्पेस नहीं है दो पत्थरों के बीच में। तो उसके पीछे के अपने एनेक्डोट्स इतने प्यारे प्यारे हैं कि वो मेरे, वो इमारत के साथ जो एक कनेक्शन है ना, वो कमाल है। और भाई बचपन में हम पेंटिंग ही बनाते थे, एक वो घर होगा सामने बहुत सारे पहाड़ होंगे, एक नदी आ रही होगी, वो है मेरा गांव, क्या बात, वैसा है मेरा गांव। तो कई बार वो भी लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि वहां पर, और वो जैसे 90s और 80s की फिल्म से हम नहीं देख रहे, जहां तक नजर जा रही है सब हमारा, वैसा ही सीन है पहाड़ों में हमारा, कि जहां तक नजर जा रही है सब पहाड़ हमारे हैं और जमींदार। तो पहाड़ों के साथ बड़ा प्यार, और जब भी पहाड़ों की बात होती है भाई, एक लाइन है वो मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि बताइए, पहाड़ों में जो रोड्स होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है लेकिन लोग सीधे होते हैं, शहरों में रोड सीधी होती है लेकिन लोग टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो वो है पहाड़ का, पहाड़ों के साथ एक अलग कनेक्शन है भाई, बहुत ज्यादा रहा नहीं लेकिन कई जगहों से दिल का नाता जरूर और स्ट्रॉन्ग होता है। आप शायद फिजिकली वहां पर बहुत नहीं जाते हैं लेकिन उनके साथ एक कनेक्शन होता है, वो पहाड़ वो है। अभी
देहरादून गए हम लोग और उसके बाद मसूरी तक का चक्कर लगा और बीच में ना लबासना दिखा मुझको। लबासना हम तो शू कर रहे हैं इसके बारे में, लबासना जाना है। और हम लोग मसूरी गए भाई, इतनी खूबसूरत जगह है वो। मतलब हिंदुस्तान में वैसे तो कहा जाता है कि जो कश्मीर है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करना शुरू करो तो कितनी प्यारी प्यारी जगह है। बिल्कुल, एंड मैं वही कह रहा हूँ, उत्तराखंड ले लो, हिमाचल ले लो, ऐसे नहीं कि दो जगह सेम होंगे, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। मतलब फॉर मी, मतलब मसूरी में आई ग्रू अप, तो मेरे लिए वो ही था। फिर मैं गया एक दिन नैनीताल साइड, अलग अलग ही, यू नो, तो मतलब ग्रेट। बट खैर, इफ यू टॉक अबाउट हिल्स तो हम दोनों गप्पे लगाते रहेंगे। आते आते हैं आप पे, तो अगर हम आपकी प्रोफेशनल करियर देखें जो कि कॉलेज में शुरू हुआ था, तो अभिलाष वो भी कोई यूपीएससी टॉपर से कम नहीं है। अपने कॉलेज के टाइम पे आप आरजे बने, फिर आप मशहूर रेडियो स्टेशन के आरजे बने, साथ ही में आपने एंकरिंग की, कॉर्पोरेट इवेंट्स किए, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में मैंने आपके वीडियोस देखे, इस बीच आई एम श्योर आपने कुछ स्टेज या एक्टिंग किया होगा, अब आप एक्टिंग कर रहे हो, मतलब करते कैसे हो आप ये सब? भाई इससे पहले मैं कॉन्फिडेंटली अपने आप को सच बोलूं तो एक्टर नहीं कह पाता था। एक हमेशा डाउट रहता था कि मैं सच में एक्टर हूं या नहीं, और वो शायद इस कारण से भी है कि हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से पलते बढ़ते हैं, हमारे अंदर सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है, और मेरे अंदर तो सेल्फ डाउट अलग लेवल पर है। तो वो वैलिडेशन हमेशा बाहर से हम लोगों को चाहिए होता है कि यार तू सक्सेसफुल है, तू अच्छा है, भले ही हम लोग कई बार खुद को जाने, खुद को कितना ही कहें कि यार वी आर द बेस्ट, लेकिन वो वैलिडेशन अब तक मेरे को शायद मिला नहीं था एस्पिरेंट से पहले। दो मैं एक फिल्म कर चुका हूँ, आई डन अ कपल ऑफ टीवी शोज, वो सब एक अच्छा परफॉर्मर रहा हूँ, लेकिन वैलिडेशन शायद एस्पिरेंट्स के बाद मिला है। तो अब वो जो कॉन्फिडेंस है ना, जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं एक्टर हूँ, अब मैं कह सकता हूँ। अब से पहले लोग मुझे कहते थे कि आरजे एंड एक्टर एंड होस्ट, बट अब तक मैं सच में अपने आप को कन्विक्शन के साथ एक्टर नहीं मानता था। इस परफॉर्मेंस के बाद वो कन्विक्शन थोड़ा आया है। मुझे लगता है भाई कि कुछ प्लान्ड नहीं थी चीजें। कई चीजें हम लोगों को लगता है कि हम बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, और हम लोगों को लगता है कि हम लोग यार ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बट इतना क्लिनिकल नहीं होती है लाइफ। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बस होती चली जाती है। मेरे साथ तो ज्यादातर चीजें वैसी हुई। मुझे तो भाई फौज में जाना था, क्योंकि मैं बचपन से फौजी बैकग्राउंड में रहा हूँ, कैंट एरिया में, तो हमारे लिए तो वो डिमार्केशन होता है कि फौजी और सिविलियन। तो अभी भी मतलब है कोई कनेक्शन दिया फौज के, किसी को ऐसे देखो अरे ये तो फौजी है, ओ हम लोग तो सिविलियन है, तो वो डिमार्केशन बड़ा दिमाग में बैठ जाता है। तो फौज ज्वाइन करनी थी भाई, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर रेडियो शुरू हुआ, फिर एंटरटेनमेंट में कुछ 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 मिलता चला गया और मैं करता रहा। कुछ भी प्लान्ड नहीं था, या दैट मिक्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑल्सो इम्प्रोवाइजेशन। जैसे एक्टिंग में भाई हम लोग बोलते हैं ना कि आप एक्टिंग तो करो, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लाइन बाय लाइन बोलती और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, देयर हैज टू बी अ स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन। तो वो इम्प्रोवाइजेशन ऊपर वाला करता है हमारे लाइफ में ना, ये हम लोग लाइनें लिख लेते हैं अपने करियर की, स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप ऊपर वाले के लिए छोड़ना चाहिए। क्योंकि वो एक बड़ी सही चीज किसी ने बोली है ना कि जो मिल जाए तो, अगर सब कुछ मिल गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिला तो उसका मतलब अभी द एंड नहीं हुआ है, अभी कहानी आगे बाकी है। तो वो इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप उसके पास हमेशा छोड़ के रखना चाहिए। तो वैसे ही रहा है भाई चीजें, अभी भी मैं वही सोचता हूँ कि जो चीजें जैसे हो रही हैं होती चली जाए, अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी मुझे लगता है कि करना चाहिए वो मैं करता हूँ, टू रीच आउट टू पीपल, टू टेल देम कि मैंने क्या किया है। पर आगे वही है कि कुछ पता थोड़ी है भाई कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो फ्रीडम रखते हैं अपने बीच में। सुपर। बट क्या आप बचपन से आप एक एंटरटेनर थे, ये आपको कहानी सुनने का, उनको दोहराने का शौक, तो आपको देख के लगता है, यू आर सेइंग कि चलो आपको वैलिडेशन अब मिला है, जो कि बिल्कुल जायज स्टेटमेंट है, लेकिन लगता है कि आप बहुत पहले से एक, यू आर एन एंटरटेनर परहैप्स और स्टोरी टेलर? हाँ भाई, मतलब आई वाज फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो फौज में जब भी कोई पार्टी होती थी तो उसमें परफॉर्मेंस मेरी होती थी, और ये मैं बात कर रहा हूँ यूकेजी एलकेजी के टाइम से। एंड आई एंजॉय अटेंशन, मतलब मेरे को अच्छा लगता है जब लोग मुझे देखते, मेरे बारे में बात करते। हमें बड़ा बताया जाता है कि अच्छी चीज नहीं है कि लोग तुम्हारे को देख रहे हैं, तो थोड़ा मॉडेस्ट हो जाओ, बट आई लव इट भाई, आई लव अटेंशन। तो वो बचपन से वो रहा है। स्कूल में चाहे वो कृष्ण बन के परफॉर्म करना हो, या पोइट्री रिसाइट करना हो, या मोनो एक्टिंग करना हो, वो सब कुछ बचपन से रहा है। और बहुत ऐसे घर में, अगर आप मेरे कभी आएंगे तो मेरे घर में एक पूरी दीवार है जिसमें कि अवार्ड्स भरे हुए हैं स्कूल के टाइम के। तो अ शार्प स्टूडेंट एंड एन एंटरटेनर, वो जो मिक्स होता है ना, मतलब सुपरस्टार मिक्स जो होता है ना।
ऐसा रहा है थोड़ा। एस्पिरेंट्स आया, पहले ये बताइए कि एस्पिरेंट्स आया कैसे, आपने ऑडिशन दिया या किसी समान सॉ यू क्या? पहले तो मैं वो वाली बात बताता हूँ कि आप जब रेडियो और वो बोल रहे हैं कि ए टू बी टू सी टू डी, एक्चुअली मेरे लिए तो इवेंचुअलिटी थी रेडियो, मेरे लिए तो रेडियो ही फुल स्टॉप था। मुझे भी नहीं पता था कि ए से बी से सी से डी भी होगा, मेरा तो ए बी सी डी सब रेडियो था। तो जो आप कह रहे हैं कि, और अब हम जब पलट के देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि अरे यार इतनी सारी चीजें हो गई हैं, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम आई ओनली वॉन्टेड टू डू रेडियो, आई वॉन्ट टू बी जस्ट एन आरजे, दैट्स अबाउट इट। आई नेवर थॉट ऑफ एक्टिंग और परफॉर्मिंग, मेरे तो वही सब कुछ था, पर हाँ वो चीजें होती चली गई। एस्पिरेंट्स कैसे हुआ भाई, एक टीवीएफ की सीरीज थी जब मैं नया नया मुंबई आया था, उस टाइम पे लोग शूट कर रहे थे, 2016 की बात है, और मेरे पास एक कास्टिंग एजेंसी से कॉल आया इनमेट्स करके कि एक 30 सेकंड का कैमियो है, तू कैमियो करेगा क्या? मैंने कहा किसके लिए? उन्होंने कहा टीवीएफ ने कहा है, बताओ क्या करना है ब्रो, ऑल सेट, आ बताओ लाइंस क्या है। तो वहां पे मैंने एक 30 सेकंड का कैरेक्टर किया था, उसका नाम था सकेश, फनी गाय, 30 सेकंड के लिए आया और वो वहां पे खत्म हो गया। इसके बाद मुझे एक पार्टी में अरुणाब मिले, और अरुणाब ऑब्वियसली क्योंकि फाउंडर हैं टीवीएफ के, तो उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा यार अभिलाष ब्रो तूने अच्छा काम किया यार। मैंने कहा सुनो ये अप्रिसिएशन वगैरह सही है, काम वाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आगे कुछ दो ना फिर अगर अच्छा कुछ किया है तो। काम की बात करो, काम क्या करो ना यार, आप मतलब फाउंडर हो यार, आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो उसके बाद फिर हमारी मुलाकात होनी शुरू हुई, और मुझे लगता है कि क्योंकि अरुणाब के साथ जो रिश्ता था वो कहीं भी ट्रांजैक्शनल नहीं था, कुछ भी ना उन्हें मुझसे चाहिए था ना मुझे उनसे कुछ चाहिए था, तो वो रिश्ते बेस्ट होते हैं जहां पर आपका कुछ लेने देने का, क्योंकि कई बार होता है ना ये ट्रांजैक्शन रिश्ते में खटास डाल देता है। तो वो बातचीत वहां से शुरू हुई, मुलाकातें होती थी, और मैंने उनको कहा था कि आप ऐसे मुझे ये मत सोचना कि कुछ करना है तो कर दो, जब आपको करेक्ट लगे ना, जिस टाइम पर आपको लगे, क्योंकि वो सबसे सही होता है, जब आपका कन्विक्शन होता है ना कि आपको ये पार्ट है जो प्ले करना करवा देना चाहिए अभिलाष से, तो आप करवाओ। तो फिर मैं दिल्ली में था और मेरे पास कॉल आया भाई कि अरुणा भाई का कि एक कैरेक्टर है एसके का, तू करेगा? मैंने कहा कैसी बात कर दी यार आपने, कहा क्या करना है ये बताओ। तो फिर द्वारका में उनका ऑफिस है टीवीएफ का, फिर मैं गया वहां, जो हमारे डायरेक्टर वो पहाड़ी है, अच्छा, तो वहां गए और वहां तो पहले पहाड़ी कनेक्शन जैसे आपके साथ बन गया, तो पहले पहाड़ों के बारे में बातें शुरू हुई। उसके बाद फिर तीन मेरे को सीन्स दिए गए परफॉर्म करने के लिए, और भाई क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूं तो मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं, मतलब टाइम को लेकर, और इफ यू गिव मी समथिंग आई विल पुट माय हार्ट एंड सोल टू इट, वो कैसा होगा वो अलग चीज है, बट मैं अपनी तरफ से 100% दे दूंगा। तो वो तीनों सीन में करके पहुंचा वहां पर, एंड द इनिशियल 8 मिनट मोनोलॉग ही आस्क्ड मी टू परफॉर्म दैट, एंड ही वाज शूटिंग ऑन हिज मोबाइल फोन, और मैंने परफॉर्मेंस शुरू किया, खत्म हुआ उसने, मैंने कहा अच्छा आप दूसरा सीन करते हैं, बोलते नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगा जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब आपके बस की नहीं, आप जाओ आप कितने में हमें समझ में आ गया। बट देन ही सेंट इट टू दैट राइटर, और राइटर ने कहा कि यार ये तो जबरदस्त इसके लग रहा है, और वो वहीं पर लॉक हो गया था। तो ये दो मुलाकातें, तीन मुलाकातें मेरी थी अप्पू के साथ, जिसके बाद एसके लॉक हुआ, और फिर हम लोगों ने 6-7 दिन की रीडिंग की, जहां पर क्योंकि भाई वो है हमेशा जब भी हम बिहार के किसी कैरेक्टर को देखते हैं हमेशा हम लोग थोड़ा कैरिकेचरिस्ट देखते हैं उसको अभी तक, चाहे वो फिल्म हो या वेब सीरीज हो या टीवी हो, तो वो नहीं करना था। वो बड़े हम लोग क्लियर थे अपने जहन में कि वी वॉन्ट टू, एसके बहुत रियल होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का भी वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा चंक है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बिहार से आता है, बिहार के स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन था एक तरीके से एसके, उनकी कहानी थी एसके के थ्रू, उन लोगों की भी कहानी थी जो बहुत बड़े सपने देखते हैं लेकिन कई बार उनको हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जो उनकी रियलिटी होती है उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो वो एसके उसका रिप्रेजेंटेशन था मेरे हिसाब से। और फिर हम लोगों ने शूट करना शुरू किया, फिर हम लोगों ने कई चीजें इम्प्रोवाइज की, जो स्क्रिप्ट में चीजें थी उसे थोड़ा सा हटे, ये शायद इसके अकेला कैरेक्टर है जिसके बैकग्राउंड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, हमें नहीं पता है वो कहाँ से आता है, वो क्या करता है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, बाकी सब कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता है, तो उस लिहाज से मेरे पास एक फ्रीडम भी थी, और मुझे ऐसा लगता है जो भी एक्टर आता है एसके करने के लिए वो अपने हिसाब से एसके करता है, तो ये मेरा एसके था, ये मेरा वर्जन ऑफ एसके था जो मैंने परफॉर्म किया, और हो गया भाई पसंद आ गया लोगों को, हो गया मिल गया। आप तो कह रहे हो गया, मतलब वाचिंग इट आई एम वेरी ग्लैड कि आपने वो मोनोलॉग वाली बात छेड़ी, बिकॉज़ एक तो फैंटास्टिक सीन है, आप अगर आपकी पहली सीरीज हो या दूसरी या जो भी, आपको एज एन एक्टर आपको ऐसे सीन्स की भूख है, बिकॉज़ उसमें बहुत है, और वो है आज के एसके सर,
नॉट एस्के. फिर फट से ये जो बैक एंड फोर्थ है, एक तो बैक एंड फोर्थ फॉर्मेट इट वर्क्स रियली वेल, लेकिन जो एक कैरेक्टर ग्राफ है कमाल का है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक नहीं 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 ये अभिलाष ये वही है क्या. अब मैं आपसे बात करूं तो आपका ये नेचुरल लुक, एक तो लुक टोटल चेंज, पर ये होते हैं, बट टू फॉरगेट द लुक, टू गेट इनटू द गेट चाल, उनके जो हल्का सा पैर आता है बाहर, इनकी वॉक, आपने इतनी डिटेलिंग की है हर चीज पे कि एज अ व्यूअर माय माइंड वाज ब्लोन. हाँ भाई, मतलब मुझे लगता है कि व्हाट जो भी हम लोग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं वो शायद कहीं ना कहीं हमारा एक्सटेंशन तो होता ही है. व्हेन वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस, व्हेन वी एक्सप्रेस डिस्पेयर, लव, हेट्रेड, गुस्सा, वो हमेशा हमारा एक्सटेंशन तो होता ही है उनमें. तो वो कहीं ना कहीं वो नुआंसेस आप पिक करते हो. और बहुत सारे भाई मेरे ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ तो मेरे तो बहुत सारे एसके जैसे दोस्त रहे हैं, यार दोस्त रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ. मुझे पता है कि उनकी जुबान कैसे चेंज होती है, वो किस तरीके से बात करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या होता है. तो एसके को एसके जैसे लोग तो बहुत सारे थे, लेकिन वो रियलिज्म लाना चैलेंज था. जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें वो भी मेरे को लग रहा है, क्योंकि हम लोग आप एसके सर को देखोगे तो सटल हैं अपनी अपनी चीजों में, जो कहते हैं वो ज्यादा हाथों से नहीं कहते हैं, वो बस देखते हैं और अपने चेहरे से कह जाते हैं. बट आप अगर एसके को देखोगे, और वो बड़ी कमाल की चीज कही आपने कि एसके और एसके सर के बीच में एक डिफरेंस है, एसके थोड़ा फ्री है, अपना चलता है, वो जो लड़कपन है उसके अंदर वो दिखता है. तो उन चीजों पर तो डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल था भाई, क्योंकि वो रोकना एक एक्टर को कि हाँ भाई इतना कर सकते हैं इतना नहीं कर सकते, ये लिमिट है, इसके आगे नहीं जाना है. और वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट था मेरे ख्याल से अप्पू और मेरे बीच में, कि वो हमने फ्रीडम दे रखी थी भाई कि हम लोग एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं. तो वैसा फील जब रहती है वो बहुत बहुत, आप मतलब आप तो खुद एक्टर है तो आपको पता है कि अगर हम कोई एक्टर खौफ में काम करता है ना तो परफॉर्मेंस 100% नहीं दे सकता. वो ट्रस्ट होना बड़ा जरूरी है. तो वो ट्रस्ट था मेरे ख्याल से जिसकी वजह से चीजें इजी हो गई भाई. और इसमें क्या है, इसमें पांच आप मेन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा था अलग हैं, लेकिन इनको एक कॉमन चीज जोड़ रही है वहां पे, नॉट जस्ट यूपीएससी बट जस्ट दैट इम्पोर्टेंस के उन्होंने या किसी के फादर ने या किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने किसी के समबडी हैज पुट फेथ इन 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 पे के वहां पे जाके पास हो जाओ तो सोने पे सोना, बट ट्राई एंड जस्ट डू द बेस्ट. और फिर किसी का सेकंड चांस, किसी का फोर्थ चांस, एंड में फिफ्थ और सिक्स्थ चांस, इस सारे नैरेटिव को वीव करना, एक तो लाइक यू सेड राइटर्स की बात है, बट एक्टर्स राउंड टेबल रीडिंग जब 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 होती है, अब आई फाइंड द, मैंने एक ही बात किया लेकिन आई फाइंड देम फैसिनेटिंग. आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपको पता है कि यार एक तो स्क्रिप्ट कमाल की है, ये हटके है, लेकिन एक मैजिक है, एक केमिस्ट्री है जो आ रही है, उसके बारे में जरा बताइए भाई. अब इनिशियली तो जब हम लोगों ने रीडिंग शुरू की थी तो ये हम तीनों के बीच की रीडिंग थी. अच्छा, गुरी, अभिलाष और एस के, हम तीनों थे. 6 दिनों तक हम लोग इन कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कैरेक्टर जो भी सोच रहा है वो क्यों सोच रहा है, कैसे सोच रहा है. जो वो सीन है भाई जब इसको पैनिक अटैक आता है एस के को, तो मैंने अपनी लाइफ का जो भी एंग्जाइटी मैंने भी फेस किया, हम सभी करते हैं, बट पैनिक अटैक जैसी सिचुएशन कभी नहीं आई लाइफ में. तो वो सबके एक्सपीरियंसेस की, हर कोई कैसे रिएक्ट करता है पैनिक सिचुएशन में. कई लोग बोलते हैं कि ब्रेथलेस हो जाते हैं हम लोग, कई लोग बोलते हैं कि यार आई स्टार्ट स्वेटिंग, कई लोग बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या करूं, कई लोग रोना शुरू कर देते हैं. तो पर एसके कैसे रिएक्ट करेगा ये हम लोगों ने उन रीडिंग सेशंस में समझा. जो सीन है जब पता लगता है अभिलाष को कि धैर्य से गुरी शादी करने वाला है, वो और वो एक मीम बड़े चले कि अब मैं शराब पीऊंगा जहां बोलता हूँ, तो वो कैसे आया, वो उसमें आप देखोगे तो हर एक का ग्लास एक सर्टेन लेवल पर है. टॉप पर अभिलाष का है, नीचे गुरी का है, और सबसे नीचे मेरा है. तो वो सब हम लोगों ने बहुत बहुत प्लान किया था उन 6 दिनों में. हमने सोचा कि हम लोग क्या करने वाले हैं. तो ऑब्वियसली वो अगेन जैसे लाइफ के साथ में कहता हूँ, आप सब चीजें प्लान करते हैं बट इम्प्रोवाइजेशन के लिए स्पेस छोड़ते हैं. तो वो सब चीजें हम लोगों ने प्लान की थी इन 6 दिनों की रीडिंग में हम तीनों के बीच में. फिजिकैलिटी पर हमने काम किया था कि हम लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल है. आप देखेंगे कि मैं गुरी को कई बार ऐसे पकड़ लेता हूँ यहाँ से, बल्कि वो 6 फुट 2 इंच का बड़ा इंसान, लेकिन वो दोस्ती ऐसी है कि वो बचपन से हम लोग क्योंकि कॉलेज टाइम से एक साथ रहे हैं गुरी और एस की, और अब जब वो अपना बिजनेस कर रहा है और ये अपनी पढ़ाई कर रहा है, तभी भी वो जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है वो अभी भी है दोनों के बीच में. वो अपना प्यार वैसे दिखाते हैं, वो उसको बोलता है कि तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, हो जाएगा ना, बता देना. तो वो एक सपोर्ट सिस्टम है इन सब का. तो ये सब भाई उन 6 दिनों के जो रीडिंग थी उसमें हुआ. अप्पू का बहुत बड़ा हाथ था, द डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि हर एक
उस मोमेंट का इमोशन क्या है, क्योंकि वो परसेप्शन बताना बहुत जरूरी है एक्टर्स को कि हाउ आई परसीव इट, हाउ आई सी इट, एंड देन यू नो ब्रिंग योर टेक टू इट. बट एक बेसिक फाउंडेशन तो हमारे डायरेक्टर ने बहुत सही तैयार करके दी थी, जिसकी वजह से इजी हो गया काम. जो है इजी सुपर नहीं कमाल है. तो क्या, चलिए आपने कहा था कि आपकी जो एक मेन पैशन था, एम्बिशन था, वो था आरजे बनने का, बट थोड़ा रूम था कि हाँ ये जो ट्विस्ट आएंगे वो उसकी जगह है. आपका एसके और बाकी एस्पेक्ट्स की तरह प्लान बी था क्या कुछ? मैं तो प्लान बी पे ही काम कर रहा हूँ भाई. फौज प्लान है था ना, वो तो हुआ. फौज, हाँ, सर करेक्ट. तो प्लान बी चल रहा है. अब प्लान सी क्या होगा वो सोच रहा हूँ. प्लान सी, हाँ. प्लान बी पर ही चल रहा है भाई काम, और अच्छे से चल रहा है. मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हम लोग ये सब प्लान पता नहीं, प्लान बी, कई लोगों को लगता है कि प्लान ए ही काफी होता है. इट इज अ वेरी पर्सनल कॉल. कई लोगों को लगता है हमें कोई प्लान भी नहीं चाहिए, जो हम कर रहे हैं उसी में बहुत अच्छे हैं, और हम लोग पूरे पैशन के साथ 100% देकर वही एक चीज करना चाहते हैं. दे आल्सो सक्सीड. सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल यू नो कॉल. श्योर श्योर. मेरे प्लान बी की वजह से, मेरे रेडियो की वजह से भाई, मैंने आज तक थैंकफुली कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर मुझे लगता हो यार ये क्यों कर दिया मैंने. क्योंकि मेरा जो है दो वक्त की रोटी और मेरा रहने का टेक केयर कर लेता है रेडियो. तो वो स्ट्रगल, बेसिक स्ट्रगल्स से रेडियो ने मुझको अब तक बचा के रखा है. अब ये सब चीजें हो रही हैं तो एंजॉय कर रहे हैं भाई. बिल्कुल. कैसे और कब तक होगी ये नहीं पता है, बट हाँ जब तक चल रहा है तब तक चलाएंगे. अरे सर बहुत, ये तो आई थिंक ये तो आपकी नई इनिंग शुरू हो रही है. आप 100 को 150 और 150 को 200 से आगे ले जाएंगे आप. नहीं यार भाई अभिलाष, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके, अपने वक्त निकाला, थैंक यू. और एसके सर के बारे में तो मतलब बहुत लोग आगे भी आपसे बात करेंगे. हम दुआ करेंगे कि ऐसे कहता है ना, यू जस्ट गेट द रेंज टू जस्ट हैव फन यार, बिकॉज़ इट लुक्स लाइक यू आर हैविंग फन राइट नाउ. बहुत थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम. थैंक यू सो मच भाई.